Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Spira Learning Management System. पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेट थ्योरी को हमने स्टडी किया, उसके यूनिवर्सल सेट को देखा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को देखा, यूनियन ऑफ सेट्स को देखा, और हमने उसमें ऑर्डर पेयर को देखा कि ऑर्डर पेयर किस तरह से बनते हैं, दो सेट्स का क्रॉस किस तरह से होता है. इस लेक्चर के अंदर हम मजीद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स को कुछ स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है डिफरेंस ऑफ सेट. दो सेट्स का जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक एलिमेंट में से एक नंबर में से दूसरे नंबर को हम माइनस कर रहे हैं. तो यहाँ पर सेट के डिफरेंस का भी बिल्कुल तकरीबन यही जो है वो काम है कि हम एक सेट के एलिमेंट्स में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हम माइनस करते हैं, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम निगलेक्ट करके बाकी जो एलिमेंट्स जो है वो पहले सेट में रह जाते हैं उन तमाम एलिमेंट्स को हम जो है वो क्रॉस के जो है वो डिफरेंस के अंदर लिख देते हैं. जैसे दो सेट्स हैं, यहाँ पर ए सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट है 2 4 6. इन दोनों का हमने जो है वो डिफरेंस करना है. तो ए डिफरेंस बी, इन दोनों का कैसे होगा? इन दोनों में सबसे पहले देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं. 2 4 6 इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं. इन कॉमन एलिमेंट्स के अलावा ए सेट में यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स जो है वो रिमेनिंग रह जाते हैं? वो एलिमेंट्स हैं जी 1 3 और 5. इनको जब हम एक सेट में लिख देंगे तो इन दोनों सेट्स का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में भी हम यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस करते हैं उस सेट के साथ जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड है. कॉम्प्लीमेंट को शो करने के लिए हम सेट के ऊपर एक डैश का सिंबल लगा देते हैं या हम एक सी लिख देते हैं या सेट के ऊपर बार लगा देते हैं. ये तीनों सिंबल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं. जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है जो है वो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए. यानी जैसे यहाँ पर अगर आप बात करें प्रोबेबिलिटी के हवाले से तो यहाँ पर सैंपल स्पेस माइनस ए सेट हो जाएगा. तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करें, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से ए सेट हमारे पास है 2 4 6. इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ पर 2 4 6 हैं, तो रिमेनिंग एलिमेंट जो ए के अंदर रह जाएंगे, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर रह जाएंगे, वो हमारे पास कौन कौन से हैं? 1 3 और 5 है. तो ये इन दोनों सेट का जो है वो कॉम्प्लीमेंट होगा. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास लॉज ऑफ सेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ क्या है कि जब किसी भी सेट को किसी एक एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वो सेट हमें दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा. तो जैसे ए का यूनियन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो हमें दोबारा से ए मिलेगा. इसी तरह से ए का इंटरसेक्शन अगर हम किसी सेट एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो दोबारा से तब भी हमें क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा. इसी तरह से हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस और ए इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस. यानी अगर हम ए का यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के साथ यानी यूनिवर्सल सेट के साथ करें और इसी तरह से ए का इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस के साथ करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे? अगर तो ए का यूनियन करेंगे सैंपल स्पेस के साथ तो हमें सैंपल स्पेस पूरे का पूरा यानी यूनिवर्सल सेट हमारे हमें वापस मिल जाएगा. और इसी तरह से अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास ए सेट हमें रिजल्ट जो है वो हासिल होगा. आइडेंपोटेंट लॉ क्या है? आइडेंपोटेंट लॉ कहता है जी कि ए यूनियन ए करेंगे तो हमें ए सेट मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो तब भी हमें ए सेट ही इन रिजल्ट हमें मिलेगा. इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ है. एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है जी कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन करने के बाद उसे किसी तीसरे सेट के साथ यूनियन करें और यहाँ हम किसी एक सिंगल सेट का यूनियन किसी दो सेट्स के कंबाइंड यूनियन के साथ करें तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं. यानी अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी और सी और अगर हम पहले ए और बी का यूनियन कर लेते हैं और देन उसको सी के साथ यूनियन करते हैं या हम बी और सी का यूनियन करने के बाद उसे ए के साथ उसका यूनियन करते हैं तो इन दोनों के रिजल्ट सेम होंगे. इसी तरह से ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करने के बाद उसको इंटरसेक्शन करें सी के साथ या ए बी और सी का इंटरसेक्शन करने के बाद उसे ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो इन दोनों के रिजल्ट जो है हमारे पास सेम आएंगे. कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या बताता है? कम्यूटेटिव लॉ बताता है जी कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में इक्वल होते हैं. इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी आपस में इक्वल होते हैं. इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताता है जी कि अगर हमारे पास ए बी और सी ये तीन सेट्स हैं तो इन तीन सेट्स का जो है वो अगर हम यूनियन और इंटरसेक्शन इन तीनों पे इकट्ठा अप्लाई करें तो वो किस तरह से होगा कि अगर हम दो सेट्स जो है हमारे पास बी और सी इनका इंटरसेक्शन करने के बाद
इनको ए के साथ यूनियन करें तो इसका जो रिजल्ट है वो इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए के साथ। और इसी तरह से अगर हम बी और सी का यूनियन करने के साथ के बाद उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो इसका रिजल्ट जो है वो इक्वल होगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए के। इसी तरह से कम्प्लीमेंट लॉ है, कम्प्लीमेंट लॉ कहता है जी कि अगर ए का ए के कम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करें तो हमें क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है, और अगर ए का इंटरसेक्शन ए के कम्प्लीमेंट के साथ करें तो हमें एम्प्टी सेट मिलता है। या ए का डबल कम्प्लीमेंट करें यानी कि ए का ए के साथ कम्प्लीमेंट करें दोबारा से तो दोबारा से हमें जो है वो क्या मिलेगा, हमें ए का ए के साथ कम्प्लीमेंट ए का कम्प्लीमेंट ट्वाइस करने से दोबारा से हमें ए सेट मिल जाएगा। इसी तरह से डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ दो हैं, एक है यूनियन के अकॉर्डिंगली और एक है इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंगली, कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट करें तो वो इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के, और अगर ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट करें तो वो इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। इसी तरह से इसका एक जो क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास सैंपल स्पेस गिवन है यानी यूनिवर्सल सेट गिवन है और साथ में ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट भी गिवन है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जी कि हमने ए का कम्प्लीमेंट निकालना है, यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकालना है, सी कम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस ले लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट यानी सैंपल स्पेस हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1 से लेकर 10 तक और ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं 1, 2, 3, 4, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के अंदर बचे हैं वो हैं 5 से ऑनवर्ड 10 तक, तो वो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी में यहाँ पर हम दोनों साइड के जो एलिमेंट्स उनको कम्बाइन कर कर एक जगह पर लिख लेंगे। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक सेट में लिख लेंगे, ये हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर भी। तो यहाँ पर अगर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा और देन सी का कम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। ए का कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, यूनिवर्सल सेट का और ए सेट का डिफरेंस करें तो यूनिवर्सल सेट और ए सेट का डिफरेंस क्या है कि यूनिवर्सल सेट और ए सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं 1, 2, 3, 4 और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर रह जाते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से सी कम्प्लीमेंट करेंगे तो सी कम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, सी कम्प्लीमेंट में हम जो हमारे पास आ रहा है यूनिवर्सल सेट आ रहा है जी 1 से लेकर 10 तक और सी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 इन दोनों में कॉमन है और उसको हम छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स रह गए हैं उनको यहाँ पर हम कम्प्लीमेंट में लिख लेंगे। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में फिर वही बात कि दोनों के कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में हम देखेंगे दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट निकाल कहलाएगा। इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल्स भी कीजिएगा आप इसकी। तो बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह।